हेलो गाइस, तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और व्लॉग जो है आज का शुरू हो चुका है। और अभी जो है हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तैयार भी हो गए, नहा भी लिए। और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, घर का जो काम है वो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी जो है मम्मी काम करेगी घर का और फिर मैं आके आपको मिलती हूँ। और आज मैं जा रही घूमने, अब टाइम हो गया 9:30। पता क्या, आज मैं लेट हो गई उठते उठते सवेरे। फिर मैंने बनाई दाल सब्जी, रोटी बनाई, उसके बाद फिर जाने का टाइम नहीं लगे। अभी जाऊँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा। और मैं पूछती हूँ राहुल को जाएगा कि नहीं घूमने के लिए, नहीं तो वरना मैं ही जाऊँगी कल ले। चलो गाइज फिर मिलती हूँ, बाय बाय। और गाइज मैं आगे घूम के अब राहुल को बोल रही हूँ चाय बना ले, फिर करूँगी झाड़ू पोछा, कपड़े धोऊँगी, पानी आ जाएगा 11:30, फिर कपड़े धो के फिर देखते हैं और काम। राहुल चाय बना ले बेटे, 2 कप, एक अपना एक मेरा। ये कर दिए सारे बर्तन, अब करूँगी इधर पेपर एक पे लगाऊँगी और फिर करूँगी झाड़ू पोछा डस्टिंग, फिर मिलती हूँ गाइस आपको। चलो जी, सवेरे सवेरे जोत के दर्शन कर लिए भगवान जी के। तो गाइस इधर और था दोपहर का टाइम, मम्मी बना रही थी नमकीन चावल और जो है बाकी काम तो घर के सारे हो गए थे, झाड़ू पोछा बस। तो मम्मी जो आज नमकीन चावल बना रही थी क्योंकि आज का जो मौसम है थोड़ा ठंडा भी हो रखा था और पुलाव खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो इस करके मम्मी बना रही थी हमारे लिए। और तो मम्मी ने जो है मसाला तो बना के रखा हुआ है साइड में, और यहाँ पे मम्मी जो है ना फ्राई करने के लिए ना कुकर में ऑयल डाल रही है। तो बस हम जो है मसाले को ना कुकर में फ्राई कर लेंगे। और चावल तो मम्मी ने जो है धो के रख लिए हैं यहाँ पे, और उसमें जो है एक आलू भी काट लिया है। और तो बस मम्मी ने जो है आलू टमाटर के साथ जो है पुलाव बना दिए थे क्योंकि ना घर में और मटर तो था नहीं और फिर गाजर भी नहीं थी, इस करके तो मम्मी ने जो है जो था सिर्फ उससे जो है पुलाव बना दिए थे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रखे थे गाइस पुलाव, ऐसा लग नहीं रहा था कि जो है ये पूरे वेजीज वाले पुलाव नहीं है, सिंपल पुलाव है, लग नहीं रहा था, बहुत अच्छे बना रखे थे। और ये जो था दोपहर का टाइम हो रखा था, मम्मी ने कहा कि चलो आज मैं पुलाव बना के खिला देती हूँ तुम लोगों को, क्योंकि हमारा भी जो है आज काफ़ी मन था पुलाव खाने का इस करके। और तो यहाँ पे जो है मम्मी ने अब इसमें जो है ऑयल में जो है वो जीरा वगैरह तो डाल दिया था, अब जो मसाला है वो डाल रहे थे, बस इसी के ऊपर से जो है ना सीधा राइस डाल देते हैं। और तो बस यहाँ पे मम्मी ने उसमें जो थोड़ा पानी डाल के भी रख दिया था और इसको अच्छी तरह से चला दिया था, और इसी के ऊपर से जो है जो भी राइस थे धो के रखे हुए थे मम्मी ने एक गिलास के हिसाब से, वो मम्मी ने इसके ऊपर से डाल दिए थे। और मसाला भी अभी जो है मम्मी बाद में ही डालेगी ऊपर से चावलों के। और यहाँ पे मम्मी ने जो है गर्म पानी करके रखा हुआ था, ठंडा पानी नहीं डालना इसमें, गर्म पानी ही डालते हैं हम तो। और गर्म पानी जो है मम्मी ने ऊपर से डाल दिया था और मसाले भी डाल दिए थे, शायद मिक्सी के अंदर ही डाल दिए थे, मुझे लगा भी बाद में डाल लेंगे, और जो कुकर को बंद करके रख दिया था। और गैस पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छे बन रखे थे। तो गैस आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की ब्लॉगिंग की है मम्मी ने, तो आप लोग भी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार देना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको जो है ब्लॉगिंग कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।